अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन फ़र्ज़ करें आपका मोबाइल चोरी हो गया है, गुम हो चुका है, तो अब आप उसे ट्रैक कैसे करेंगे, ट्रेस कैसे करेंगे? अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र हैं तो उसको ट्रेस करने का, ट्रैक करने का तरीका क्या है? और अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो उसको ट्रेस करने का, ट्रैक करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो पहले आपको बताता हूँ कि आपने अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैसे ट्रैक करना है, कैसे ट्रेस करना है। उसके लिए आपने चले जाना है अपने वेब ब्राउज़र में। यहाँ पर आपने टाइप करना है फाइंड माई डिवाइस, और यहाँ से आपने सबसे पहले रिजल्ट पर क्लिक करना है। ये देखें, फाइंड माई डिवाइस गूगल, इसको आपने ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपने अपनी वो आईडी लॉगिन करनी है जो आपने अपने मोबाइल में लॉगिन की हुई थी। ये हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है, और मेरी ये वाली आईडी मैंने अपने इस मोबाइल में लॉगिन की हुई है। अब इसकी लोकेशन को ट्रेस करके देखते हैं। ये देखें 91% बैटरी है, और यहाँ पे देखें ये 91% शो कर रहा है। मेरा जो वाईफाई कनेक्ट है वो है अलगफ़ार, यहाँ पे दोनों चीज़ ने शो कर दी हैं और लोकेशन भी इसने ट्रेस कर दी है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको प्रॉपर इसकी डिटेल देगा, मुकम्मल डिटेल आपको दे देगा जहाँ पर ये मोबाइल चल रहा है। जब तक ये मोबाइल ऑन है आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, अगर आपको अपनी वो आईडी याद है जो आपने अपने इस मोबाइल में लॉगिन की हुई थी। ये देखिए, यहाँ पे मुकम्मल सिटी का नेम बता रहा है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। और जब आप अपने मोबाइल को ट्रेस करते हुए उसकी लोकेशन के पास पहुँच जाते हैं, अपने मोबाइल के आस पास पहुँच जाते हैं, तो आप यहाँ से अपने मोबाइल पर साउंड दे सकते हैं, बेल दे सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से वो साइलेंट पे है या नहीं है, उसकी स्क्रीन बिल्कुल ऑफ रहेगी, लेकिन आप उस पर साउंड देंगे तो उसका एक लाउडर साउंड प्ले होगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका मोबाइल किस एरिया में है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे सिक्योर डिवाइस। आप अपने मोबाइल में जो आईडी लगी हुई है उसको लॉग आउट करना चाहें लॉग आउट कर सकते हैं, उसको लॉक लगाना चाहें लॉक लगा सकते हैं, उस डिवाइस पर कोई मैसेज भेजना चाहें, जो आपकी डिवाइस गुम हुई है और आपको पता है कि वो ऑन है, उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, आप उस पर कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बैठ के डायरेक्ट उसकी स्क्रीन पर मैसेज शो हो जाएगा, पॉपअप शो हो जाएगा अगले बंदे के पास जिसके पास आपका मोबाइल है। आप यहां से मैसेज भी दे सकते हैं और अपना नंबर भी दे सकते हैं। इस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। और तीसरी जो ऑप्शन है इसके अंदर, रेज फोन, आप यहां बैठ के अपने मोबाइल को अरेज कर सकते हैं। फर्ज करें आपका मोबाइल ऑन है लेकिन आपकी रीच से बहुत दूर है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते, आप नाउमीद हो चुके हैं, तो आप यहां से अपना मुकम्मल डाटा अरेज कर सकते हैं। उसमें जो कुछ भी है वो डिलीट हो जाएगा, आपका मुकम्मल डाटा, पर्सनल डाटा अरेज हो जाएगा, लेकिन फिर आप उस डिवाइस को दोबारा फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये देखें, यू कॉन्ट लोकेट इट, उसके बाद अरेज करने के बाद आप अपने मोबाइल को लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये है एंड्रॉयड को ट्रैक करने का, ट्रेस करने का तरीका। अगर आपको आईडी याद है और आपका मोबाइल जब तक ऑन है तो आप उसकी लोकेशन इजीली ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईफोन की। तो आईफोन ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए आपने चले जाना है ब्राउज़र में। यहाँ पर टाइप करना है icloud.com, इसको आपने एंटर कर देना है। और यहाँ पर आपने अपनी वो आईडी लॉगिन करनी है जो आपने अपने आईफोन में लगाई हुई है। जिस आईडी के साथ आप अपना आईफोन यूज़ कर रहे हैं वही आईडी आपने यहाँ पे लॉगिन करनी है। यहाँ पर आपने अपनी वो आईडी लॉगिन कर लेनी है, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। आप अपनी पिक्चर्स रिकवर कर सकते हैं जो आपकी आईक्लाउड में पड़ी हुई हैं, अपने नंबर्स आप रिकवर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ये वाली फाइंड माई फोन, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर ये आपको लोकेशन दे देगा जहाँ पर आपका मोबाइल ऑन है। ये देखें, ये मोबाइल की लोकेशन बता रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप चाहें तो अपने इस मैप को आप व्यू कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। ये देखें, जहाँ पे आपका मोबाइल है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। ये बता रहा है कि यहाँ पे ये मोबाइल चल रहा है, यहाँ से भी इस पर भी आप अपना साउंड प्ले कर सकते हैं, आपके मोबाइल पर साउंड प्ले हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से यहाँ बैठ के आप अपने मोबाइल पे साउंड प्ले कर सकते हैं उसकी लोकेशन के पास पहुंचकर। और दूसरी चीज़, आप अपने मोबाइल पर लॉक लगा के उस पर अपना नंबर शो कर सकते हैं, पॉपअप आ जाएगा। इस तरीके से आप अपना नंबर देंगे तो वो नंबर आपका उस मोबाइल पे शो हो जाएगा। और तीसरी चीज़, आप अपना फ़ोन यहाँ पर बैठ के अरेज कर सकते हैं, मुकम्मल डाटा अरेज हो जाएगा, लेकिन फिर आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे अगर आप उसको अरेज कर देंगे तो। इस तरीके से आप अपना आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन, जब तक आपकी आईडी लॉगिन है और आपका मोबाइल ऑन है, आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन आईफोन के अंदर एक फीचर आ चुका है, अगर आपका मोबाइल ऑफ भी है तब भी वो ट्रैकेबल है, तब भी वो ट्रेसेबल है। तो आपने सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पर आपने अपने आईक्लाउड पे क्लिक करना है, उसके बाद फाइंड माई पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने फाइंड माई फ़ोन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी इस ऑप्शन को ऑन होना चाहिए। ये देखें, यहाँ पर आपका फ़ोन तब भी लोकेट हो जाएगा जब आपका फ़ोन ऑफलाइन है या शट डाउन है, मतलब आपका फ़ोन बंद है या उस पर नेटवर्क नहीं है, फिर भी आप उसको सैटेलाइट के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं, ये ट्रैकेबल आपका रहेगा अगर आपकी ये ऑप्शन ऑन रहेगी तो।
इसलिए ये बड़ा काम का फीचर है, इसको अपने अपने फ़ोन में लाजमी ऑन रखना है। तो ये तो था वो तरीका जिसके साथ आप अपनी आईडी के ज़रिए अपने फ़ोन्स को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें आपको आपकी आईडी याद नहीं है, आपको पासवर्ड भी याद नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं याद कि आपने किस आईडी से लॉगिन किया हुआ था, तो फिर आप अपना फ़ोन कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे ट्रेस करेंगे? उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको आपके फ़ोन के आई एम आई नंबर्स देने पड़ेंगे, या फिर आपको वो सिम नंबर देना पड़ेगा जो उसमें चलता रहा है, उसके ज़रिए वो आपको आपका फ़ोन ट्रेस करके देंगे, ट्रैक करके देंगे। तो ये थे वो तरीके जिनसे आप अपना आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन इजीली ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम।